नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विषय पर बात करने के लिए। विषय आपने पढ़ ही लिया होगा, कल रात हनुमान जी सपने में आए। हनुमान जी पता नहीं कितने लोगों के सपने में आते होंगे, कितनों को दर्शन देते होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, नहीं, मैं बस मन में भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। मैं कोई पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता हूँ ज़्यादा। हाँ, आस्था है भगवान में, मुझे मालूम है कोई एक है परमपिता परमात्मा जो हम सब पे निगाह बनाए रखे हुए है, जो हमें देख रहा है, जो हमारी अच्छे बुरे कामों का हिसाब रखता है। कल बाबा ने दर्शन दे दिए मुझे। अब मैंने बाबा से एक ही सवाल पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, देखो ना कितनी विपदा आन पड़ी है, तुम तो भगवान हो, तुम क्यों नहीं ठीक कर देते सब कुछ। तो बाबा ने कहा, बेटे ये तो करनी का फल है, किसी एक की करनी बहुत सारे लोगों को भुगतनी पड़ती है, और ये आज नहीं हो रहा, हजारों सालों से होता आ रहा है। मैंने कैसे, पहले राजा महाराजा होते थे, जब उनके युद्ध होते थे तो सेना मारी जाती थी सिर्फ अपने घमंड के लिए, अपनी जीत के लिए, या अपने आप को सबसे सर्वोपरि बनाने के लिए लोग लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। तरीके बदल गए लेकिन कारण वही है, सर्वोच्च, अपने आप को सर्वोच्च बनाने का। मैंने कहा, बाबा फिर क्या करा जाए, आज कैसे खत्म होगा ये सब कुछ, क्या करें। तो बाबा ने कहा, वही करो जो बाबा भोलेनाथ ने कहा था। मैंने कहा, बाबा भोलेनाथ ने क्या कहा था। तो बाबा ने मुझे बोला, एक कहानी बताई। उन्होंने कहा, एक बार धन कुबेर कैलाश पर आए, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजने वाले भगवान बने थे, उन्हें अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया कुबेर ने। और कुबेर ने कहा कि गणेश जी आप सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान हैं, तो आपको मैं अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित करता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात, सोने का महल है मेरा, बहुत सारे नौकर हैं, कर्मचारी हैं जो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत लजीज खाना बनाते हैं, आप मेरे यहाँ आओ और मैं आपकी सेवा करूँगा, खुश करके भेजूँगा आपको। तो गणेश जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गणेश जी पहुंच गए कुबेर के यहाँ महल में। अब गणेश जी बैठे हैं खाने के लिए, तो कुबेर ने एक एक करके पकवान रखवाने शुरू करे, अपने रसोइयों को बोला खाना लगाओ भगवान जी के आगे, गणेश जी के आगे। तो गणेश जी ने खाना शुरू किया, सारे पकवान ख़त्म, रसोइये फिर गए और पकवान लेकर आए, खाया सब खत्म, क्योंकि वो तो अंतर भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गणेश जी फिर कहा, भाई खाना लाओ, मेरी भूख नहीं मिट रही है इतने से, और खाऊंगा। तो कुबेर ने कहा, भाई ये तो चमत्कारी हो गया, इतनी भूख, लेके आओ, जितना भी था उनकी रसोई में सब कुछ ले आए, सब कुछ खिला दिया, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी, शांत नहीं हुई। तो कुबेर ने कहा, महाराज मेरी तो रसोई खाली हो गई। तो गणेश जी ने बोला, भाई मैं क्या करूं, मेरी तो भूख नहीं मिट रही है, तुमने कहा था मुझे खुश करोगे। तो कुबेर ने कहा, भाई फल हैं महाराज भगवान, मैं तो वो ला सकता हूँ, फल भी लिया, सारे फल खत्म, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए देख रहे थे ये नज़ारा, सब कुछ खत्म हो गया। तो गणेश जी ने कहा, भाई ये तो मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, तेरे यहाँ तो खाना ही खत्म हो गया, तूने तो कहा था मेरे को खुश करेगा, मेरी भूख नहीं मिट रही, खिला। तो कुबेर परेशान, मैं क्या करूँ बाबा, भगवान मैं क्या करूँ, मेरी तो भूख ही, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया रसोई में। तो गणेश जी ने कहा, अगर तू मुझे खाना नहीं खिलाएगा तो मैं तेरा जितना सब कुछ तूने इकट्ठा कर रखा है, सोना चांदी जवाहरात सोने का महल, ये सब कुछ खा जाऊँगा। तो गणेश जी ने शुरू कर दिया अपना काम, सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब खा गए।
उसके महल की छत खा गए, जो गुंबद होते हैं वो भी खा गए, वो छोड़ने वाले नहीं थे। आज गणेश जी ने कहा अगर तूने मेरी भूख शांत नहीं की तो आज मैं तेरे को खा जाऊंगा, मान जा। कुबेर परेशान, आज तो मेरी जान सूली पे चढ़ गई, आज मैं बचूंगा नहीं। भोलेनाथ को याद किया कि भगवान मुझे बचा लो, भोलेनाथ मैंने तो अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए माता पार्वती के साथ। माता पार्वती ने एक मोदक देकर उनकी भूख तो शांत कर दी गणेश जी की, क्योंकि उनकी माँ ने बनाया था, बड़े प्यार से बनाया, वो खाकर उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन भोलेनाथ ने उस समय पे जो कहा वो हमें ये सीख देता है। उन्होंने कहा कि ये जो इतना सारा धन तुमने संचय किया हुआ है कुबेर, ये जिन लोगों के काम आना चाहिए, जो गरीब मर रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, तुम इसका क्या करोगे, कहाँ लेकर जाओगे, क्यों ना इसको ज़रूरतमंदों को दिया जाए, उनको मदद की जाए कि वो भी अपने आगे अपने जो जीवन यापन कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, उनकी मदद की जाए। अगर ऐसा करेंगे तो उन लोगों की मदद भी हो जाएगी। एक ऐसा उदाहरण हमारे पास सृष्टि का भी है, दुनिया में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो हमें देते हैं ना, हम जिंदा क्यों हैं, हम फल खाते हैं, फल क्या होते हैं, फल उसी तरह से जैसे हम इंसानों के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी फैट होता है वो हमारे अंदर जमा होता रहता है, वैसे ही पेड़ों के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फलों के रूप में हमें देते हैं और वो फल हम खाते हैं। उनके पास जो एक्स्ट्रा है वो हमें दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के दे रहे हैं, लेकिन हम इंसान क्यों नहीं कर पा रहे ये सब कुछ, हम क्यों नहीं सीख रहे। आज विपदा का समय है, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा आगे आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं हाथ बढ़ा रहे। कुछ गिने चुने लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से बहुत कुछ कमाया हुआ है, इतना है उनके पास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, वो चाहें तो बहुत सारे लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उस धन का क्या करेंगे। वो मेरा बाबा है ना, वो बैठा हुआ देख रहा है सबको। मैंने उससे कहा बाबा क्या करें ऐसे लोगों का, गरीब मर रहा है भूखा। वो कहता है तू गरीब की चिंता मत कर, मैंने पेट दिया है तो दाना भी दूंगा, मैं बैठा हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं जिसको मैंने भर भर के दिया है वो क्यों घर में बैठा है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहा, क्या लालची हो गया है, मतलबी हो गया है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आज लोगों को मदद की ज़रूरत है, देश में बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत है। बीते 1.5-2 सालों से लोगों के रोज़गार नहीं चल रहे हैं, परेशान हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना खाना खाए सोते हैं देश में। दोस्तों जिन्होंने जिनके पास सच में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा दिया है भगवान ने, आज उनको आगे आना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए मदद के लिए। देश भी उन्हीं का है, ये लोग भी उन्हीं के हैं, मदद करें एक दूसरे की, एक दूसरे के काम आए। दोस्तों मुझे लगता है जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो मैसेज मैं पहुंचा चुका हूं, आपको समझ में आ चुका है। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी मदद कर सकता हूं लोगों की करता हूं। जब भी मैं बाहर निकलता हूं अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर निकलता हूं, कुछ धन एक्स्ट्रा लेकर चलता हूं, अधिक लेकर चलता हूं। अगर कुछ खाने के लिए होता है तो खाने के लिए लेकर चलता हूं, कहीं पर किसी को खाने की मदद कर सकता हूं तो ज़रूर करता हूं। आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ एक एक करके मदद करें तो वो ऊपर वाला भोलेनाथ भगवान बाबा बजरंगबली देख रहा है हम सबको। आप देने की नीयत रखो, वो आप पर धन की वर्षा कर देगा। लेकिन कुछ लोग, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, कुछ लोग किसी की मदद करते हुए भी हाथ ऐसे ही रखते हैं। देते वक्त, मदद करते वक्त हाथ ऐसे ही रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। भगवान है, सब देख रहा है। दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने जो मैसेज पहुंचाना था आप तक पहुंचा दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।